हेलो फ्रेंड्स, आज हम चौकोर गले में चौड़ी लेस लगाना सीखेंगे। तो मैंने ये लेस कट कर ली है, ये साड़ी में से मैंने सूट बनाया था, तो साड़ी की जो लेस लगी थी वो मैंने कट कर ली है और गला चौरस बना के तैयार कर लिया है। तो हम इसे रख के जहाँ तक गले का कॉर्नर आता है उधर तक हम रख के निशान लेंगे, लगा लेते हैं। फिर उसको उतना ही मोड़ लेंगे जितना कि हमें ये सीधी लेस रहे और साइड में जो कॉर्नर आएगा वो हमारा अच्छे से ऐसे मुड़ जाए, तो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो जितना हमारा इतने फोल्ड होए उतने तक ही हमें ये लेस मोड़नी है। ऐसे मोड़ के हम इस पे भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड से मोड़ लेंगे और फिर तिरछा निशान लगा लेंगे। अब आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं या कोई चीज़ कोई इंच टेप वगैरह रख के भी निशान लगा सकते हैं इस पर तिरछा। तो अब इस निशान के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल कॉर्नर तक लगानी है, छोड़ना नहीं है, वरना तो हमारी शेप अच्छी नहीं बनेगी कॉर्नर की। मैंने ये सिलाई लगा ली है इस पर। सिलाई लगाने के बाद हमने फिर गले पे ये रखनी है लेस और दूसरे कॉर्नर तक जहाँ तक आता है हमारा उधर तक फिर ऐसे निशान लगाना है और फिर उसी तरीके से मोड़ के ऐसे हमें नाप लेना है ऊपर तक। ऐसे नाप के हमें तिरछा कॉर्नर बना के देखना है अच्छे से, तो हमें उतने तक ही निशान लगाना है। या फिर पहले वाला जो कोना बनाया था हम उसके ऐसे नाप के भी निशान लगा सकते हैं। तो इसके जितना ही हमने ऐसे निशान ऐसे भी लगा सकते हैं, लगा के इसको भी ऐसे तिरछा निशान लगा के सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई थोड़ी बहुत रेडीमेड हो जाए तो भी दिखेगी नहीं, क्योंकि इस पर ना वर्क है, कांच के मोती लगे हैं इसके ऊपर। हमारी अच्छी सी शेप बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको गले पे अटैच करेंगे। तो इसके अंदर पाइपिंग निकली हुई है इसकी साइड में, तो हम जो पाइपिंग की साइड में ही सिलाई लगाएंगे। तो हम इस तरह से पंजे को रखेंगे मशीन को, ये इधर से हम कट कर लेंगे, जिससे हमारे जो सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पे हमें दिक्कत नहीं होगी। कट करने के बाद हमारे ये दोनों हिस्से हम अलग अलग साइड कर लेंगे। अलग अलग साइड करने के बाद हमारी ये सुई के नीचे नहीं आएंगी, साइड में ही रह जाएंगे। अगर नहीं कट करेंगे तो हमारे सुई के नीचे ही फिर ये गांठ सी बन जाती। अब ये हमारे सुई के नीचे नहीं आई, साइड में निकल गई। ऐसे ही हम पूरी लेस पे इस कॉर्नर के भी हम ऐसे ही कर लेंगे, दोनों साइड कर लेंगे इनकी जो कटे हुए हिस्से। फिर आगे निशान लगा सिलाई लगा लेंगे। इसके कॉर्नर पे रख के हमें अच्छे से रख लेनी है। ये हमारी एक सिलाई रख के रेडी हो गई है। अब हम साइड वाले कपड़े को मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई धीरे धीरे लगानी है क्योंकि इस पर मोती लगे हुए हैं। हमने अच्छे से कपड़ा मोड़ मोड़ के अच्छे से कपड़ा मोड़ लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कपड़े को पहले सुई से भी फोल्ड कर सकते हैं। पहले हम सुई से फोल्ड करके कपड़े को फिर मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, इससे हमारा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। कॉर्नर को हमें अच्छे से रख लेना है। फिर दूसरे साइड से ऐसे कपड़ा फोल्ड करते हैं।
सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी दोनों तरफ से सिलाई रख के रेडी हो गई है और हमारा गला बन के कम्प्लीट हो गया है। हमारे कॉर्नर भी देखो बिल्कुल अच्छे से निकले हैं, बहुत अच्छे से बने हैं।